ये देखें, ये थी इस बंदे की लॉन्ग ड्राइव जिसपे ये मुझे लेके जा रहे थे। कल ब्लॉग में ही बोल दिया था लॉन्ग ड्राइव गली के कोने तक की है, लंबी चौड़ी नहीं है। नहीं, गलत बात है यार। ये देखिए, ओए होए लाडली के पाए देखे, चेक करें हुई पाए लग रहे हैं। अम्मी किसको बुलाया? और आज मजबूर हो गयी, नहीं बुलाने में मजबूर हो गए अम्मी। हाँ, ये पूरा आप खाएंगे, खा लेंगे। अब आपका भाई निकाल रहा है अपने लिए पाए, जबकि आपके भाई को है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। छोटी हो गई और यार आपसे छोटी हो गई। और वकास ने ये शीशा साफ किया या गंदा किया ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। So, Assalamualaikum guys, welcome back to a new vlog. सही क्या लेके बैठे हो? हाँ दिखाओ। वाओ भाई, अमेजिंग। साइंस साइंस भी तुम्हारी 4 क्लास में लश हो गया, SST भी है, गुड हो गया। बात अभी संभाल के रखो फटाफट। व्लॉग का सीन तो अपने गाइस को बताया था कि आज व्लॉग का सीन है क्या। तो भाई बच्चे बड़े खुश होते हैं, जब बच्चों के नए कोर्स आए थे ना तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, और अल्लाह करे जिंदगी भर पढ़ाई के लिए ऐसी एक्साइटेड रहे भाई ये भी, अहमद भी और मुस्तफ़ा भी। हाँ, सारे मुद्दे पे आज का ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर पे। हमारी अम्मी ने हमारी दावत कही है, लाइटें शाइटें बंद करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यार बिल बिल आपको पता है, बिल जिंदगी आजाद कर दी सबकी भाई, इतने बिल आते हैं इसी कोई हद नहीं है। तो हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि पंखा बंद करने का सीन है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर पर। अम्मी ने हमारी की है पायो की दावत। पायो पायो बोलते हैं, पाए की दावत, एक पाए की दावत। हाँ, पाए की दावत। हाँ बोलो। हाँ तुम्हारी लाडली गाएगी पाए दावत। अम्मी घर में जा रहे, सारे रेडी शेडी हो गए, लेकिन अभी अम्मी का फोन आया था बेटा अगर पाए खाने हो तो फटाफट 10 रोटी पका के लेकर आई हो। तो मैं जा रहा हूँ सब रोटी देने के लिए, उसके बाद चलेंगे अम्मी के घर पे। आपको बता, हाँ, स्कूल का बैग होता है उसका कितना वेट है? 40 किलो। तेरी खैर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी 1 मन का बैग लेके जाता है लड़का। तो एनीवेज अभी जा रहे हैं हम लोग रोटी देने के लिए भाई, रोटी लेकर आते हैं उसके बाद जाने निकलते हैं अम्मी के घर पे और मिलेंगे डायरेक्ट आपको अम्मी के घर पे पाए खाते हुए। तो गाइस हम लोग निकल गए खाला के जाने के लिए, और देखें ये थी लॉन्ग ड्राइव। 1 मिनट रुकिए जरा दिखाती हूँ। तो गाइस ये थी, ये देखें ये थी इस बंदे की लॉन्ग ड्राइव जिसपे ये मुझे लेके जा रहे थे। अगर कल का ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो जरा जल्दी से जाके देख लें कि इन्होंने मेरे साथ किस तरह चीट किया है। मैंने कल ब्लॉग में ही बोल दिया था क्या कि लॉन्ग ड्राइव गली के कोने तक की है, लंबी चौड़ी नहीं है। नहीं, गलत बात है यार, मुझे पूरा तैयार करके इन्होंने डरवाया था। खैर बहरहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, जाके आपसे मिलते हैं। A few inches later. भाई हाँ, मैं आ गया अपनी अम्मी के घर पे पाए खाने के लिए। भाई तुझे भी दावत ने बुलाया? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? पाए बना लिए? क्यों बनाए? इसको भी बुलाया दावत में? पहली फुर्सत में निकल। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ अम्मी ने 2 पाए के 4 पाए कर दिए। कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा देखता चढ़ा हुआ VIP किस्म का देखता है फुल, और ये देखें पूरा, ये देखें ओए होए लाडली के पाए देखें, चेक करें VIP पाए लग रहे हैं यार, क्या जबरदस्त कलर आया। और नहीं कुत्ते गए तो गाइस बड़े लेवल के पाए लग रहे हैं, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ उनको दे दो, उनको दे दो, जाओ। तो पाए की खुशबू और पाया कलर तो बड़ा लेवल का लग रहा है, जब खाएंगे तो और मजा आएगा। कैसी हो? ठीक हो। और अम्मी किसको बुलाया? और आई नहीं। हाँ आज मजबूर हो गई नहीं बुलाने में मजबूर हो गई अम्मी। हाँ चेक करें गाइस, जैसा खान लग रहा है आए हमारे को 10 से 15 बल्कि आधा घंटा गुजर गया। तो अम्मी ने बोला भाई खाना लगा देंगे क्योंकि इसको अपने घर जाना है। ये बोल रही है पेट्रोल की हड़ताल हुई है, मैं जाऊँगी कैसे? ये पेट्रोल से चलती मेरे ख्याल से, रक्षे वक्षे सारी बात है, पेट्रोल का मसला हुआ, पेट्रोल नहीं मिल रहा है जगह जगह पे, तो इसके चक्कर में जल्दी खाना लग रहा है भाई। तो खैर हम भी खा लेंगे, लेकिन अभी फ्राइज वगैरह खा कर आया, मेरा पेट हो रहा है फुल, लेकिन फिर मैं चख लूँगा पाए, इतनी कोई मन के नहीं खाऊँगा, बाद में खाऊँगा, बाद में खाऊँगा, लेकिन चखूँगा खाली। ये पाए आ चुके हैं और ये वकास पूरे उठा के बैठ गए खाने के लिए। ये पूरा आप खाएंगे? खा लेंगे। कोलेस्ट्रॉल अपना हाई करूंगा रख दे, गिर जाएंगे वरना। भाई कितने मजेदार लग रहे हैं, और खाला तो बनाती बहुत अच्छे हैं पाए, बहुत जबरदस्त। अम्मी के हाथ के पाए सबसे अच्छे, हर खाना अच्छा होता है, अम्मी के खिलाती नहीं, वो एक अलग बात है। अल्लाह चल झूठा, आप आते नहीं है वो एक अलग बात है, आप आए तो खिला भी दें, गलत बात है। अच्छे बनाते। पहले हम आते थे अम्मी घर पे अंडे पराठे खाते थे, सुबह में खाने बना के आदमी अच्छे तो कुछ भी नहीं। अब आपके पास टाइम ही नहीं रहा है ना आने का, अब आते कितना कम है। बात तो सही है, बात सारी है। अम्मी के सामने बोले रहता है तो वही है कि भाई अम्मी बैठी है, अम्मी आ जाओ आजा खाना खा लो। अम्मी पर बैठने के लिए बैठ सकती भाई। तो हमारा अम्मी ने अपनी एक छोटी बहन को बुलाया था तो वो नहीं आई है, फिलहाल उनकी तबीयत सही नहीं है। तो हमने सोचा हमें फोड़ फाड़ के खत्म कर देते हैं, हम लोग भी रात में खाएंगे भाई एक एक रोटी वाले लोग। अब आपका भाई निकाल रहा है अपने लिए पाए, जबकि आपके भाई को है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाए की बड़ी वाली नदी निकालेंगे। ओए होए होए क्या बात है, क्या बात। चेक करते हैं गाइस के अंदर गूदा है कि नहीं है। हमारी गाय के अंदर गूदा था या नहीं था, थोड़ा बहुत है गूदा, ऐसी बात नहीं है। तो एनीवेज गाइस खाना वाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। भाई पाए वाए तो हमने खा ली। अम्मी क्या मज़ेदार पाए बनाए थे, लेकिन इस मीठे की क्या ज़रूरत थी, क्यों बना लिया अम्मी मीठा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खाया मीठा नहीं खाया, इससे ऐसा मैंने मीठा बना लिया। लेकिन बहरहाल पाए अम्मी नंबर 1 बेहतरीन थे भाई, मज़ा आ गया। खैर मीठा भी खाते हैं, चेक करते हैं गाइस कैसा है कैसा नहीं। हम लोग निकल रहे हैं अपने घर पे जाने के लिए, लेकिन घर पे जाने से पहले भाई अम्मी से हम जरा पाए शायद पकड़ लें। अम्मा कुछ घर में पार्सल का बंदोबस्त है कि नहीं है। हाँ बहुत है। अच्छा तो भैया अम्मा से पाए शायद लेते हैं। कल हम लोग बनाएंगे अपने घर में सफ़ेद चावल और विद पाया, बड़ा मज़ेदार बनाया था हमने वैसे पाए, लेकिन मानो कसम खुदा की। हाँ तो गाइस ये होता है मुफ्ता, ये खाओ भी और घर भी लेके चले आओ। कैसा ये देखें, ये मुफ्त है, ये मुफ्त है ये सही बात है। इतना यानी कि हड्डियाँ इतनी है कि चमचा नहीं घुस रहा अंदर यार, है हाँ चमचा नहीं घुस पा रहा उसके अंदर। देखिए भाई अम्मी लगी पड़ी में निकालने के लिए। आज भी किचन में खड़े हो गए हैं आके, और यहाँ भी खा लिया बकास पार्सल भी बनवा रहे हैं। छोटी हो गई और यार आपसे छोटी हो गई हूँ खाला। तो भाई हम लोग नीचे उतर गए हैं और वकास ने ये शीशा साफ किया या गंदा किया ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और ये कपड़ा दे दिया था उसने, इतना गंदा कर दिया आपने। हल्की फुल्की सी फुहार पड़ रही थी तो ये शीशा गंदा हो गया था, वकास ने साफ किया उसके बजाय वो गंदा हो गया, लेकिन अब साफ हो गया है। आज हो गया बस साफ, हाँ हो गया अब साफ हो गया। आज चले अब आकाश में लेके जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव। टमाटर करा दूंगा दूसरा। अब बारिश तेज होने वाली है वैसे लग रहा है मुझे, हो जाएगी बारिश तेज। 1 hour later भाई आ गए थे अम्मी घर से हम लोग। भाई आते ही आपके भाई ने फौरन कपड़े चेंज मारे, मौसम तो सही हो गया लेकिन जो गर्मी तपिश जो है ना वो खत्म नहीं हो रही यार। ऐसा जिसम ऐसा हो रहा है पसीनों में फिर चिपचिप हो जाता है ना, तब यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है कराची में जो है ना, वो चीज़ खत्म नहीं हो रही। मौसम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हो गया, सूरज खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल गर्मी फिर भी बहुत शदीद है यार। तो आपके भाई ने आते कपड़े कपड़े चेंज करे, नया धोया। मैंने कहा यार व्लॉग को एंड करना है, क्योंकि सारी बात है भाई ऐसा डेली व्लॉग, और डेली व्लॉग फिलहाल इतना ही बनता है भाई, हमसे ज़्यादा नहीं बन पाता डेली व्लॉग। तो बस यही था आज का। हमारा अम्मी के घर दावत थी, दावत में गए, पाए शाय खाया आपके भाई ने, बड़े मज़ेदार पाए अम्मी ने बनाए थे। और अम्मी के हाथ का खाना होता ही बड़ा मज़ा आता है। खाने मुझे सिर्फ 2 से 3 बंदों के पसंद आते हैं, 2 बंदों के, एक अपनी अम्मी के हाथ का खाना और एक हेरा के हाथ का खाना जो है ना, नो डाउट कसम खुदा की इतना आउट क्लास होता है कि जिसकी कोई हद नहीं, नो डाउट होकर बिला झिझक बंदा खा लेता है। हाँ यार इनका खाना होता ही मज़ेदार है ना। तो बस यही था भाई आज दावत थी पाए की, हम लोगों ने उड़ा दी अल्लाह के हुक्म से। तो बस करेंगे व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।